हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर और मिर्च के अचार की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के गाजर लिए हैं और उसे इस तरह से काट लिया है। साथ ही 25 ग्राम के करीब मिर्च लिया है, उसे बीच से स्लिट किया है। उसके बीच को मैंने रहने दिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो उसके बीच को रिमूव कर लें। इन दोनों को काटने से पहले अच्छे से धो के उसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इन सबको हम एक साथ अच्छे से मिक्स करके एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि गाजर में मौजूद जो मॉइस्चर है वो अलग हो जाए। एक घंटा हो चुका है, ये देखिए इसमें से कितना सारा पानी निकला है। अब इसके पानी को हम निकाल लेंगे और अब हम इसे एक स्टील की थाली में निकाल के फैला लेंगे और इसे कम से कम 2 घंटों के लिए धूप में सुखा लेंगे। इस अचार को मुझे बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है, बस 1-2 हफ्तों में ये कंज्यूम हो जाएंगे, तो मैं बस 1-2 घंटे के लिए इसे सुखा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो 2-3 दिनों के लिए इसे धूप में ज़रूर सुखा लें। दो घंटे धूप में सूखने के बाद ये देखिए, अब चलिए इसके लिए अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए एक पैन में 2 चम्मच सरसों के दाने लेंगे, साथ ही इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 काली मिर्च। अब इनको हम लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये स्पाइसेस अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसको पीस के हम पाउडर बना लेंगे, लेकिन एकदम महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाएंगे। ये हमारा अचारी मसाला बनके तैयार है। तो चलिए अब हम सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 टेबलस्पून तेल लिए हैं। ये देखिए तेल गरम होके उसमें से धुआं निकलने लग गया है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालिए वरना स्किप करें। लहसुन और हींग डालते वक्त तेल का टेम्परेचर बहुत हल्का गर्म बाकी रहना चाहिए, वरना ये दोनों इसमें जल सकते हैं। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब तैयार किया हुआ अचारी मसाला हम गाजर और मिर्च में मिलाएंगे, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे। अब इसमें जो तेल हमने ठंडा किया था उसे भी ऐड कर देंगे। मैंने इस अचार में बहुत कम तेल इस्तेमाल किया है। आमतौर पे जितना तेल अचार में जाता है उतना मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसे फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए बाहर स्टोर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा और तेल ऐड करें, कम से कम 1/2 कप के करीब तो ज़रूर तेल जाएगा। तो लीजिए, तैयार है मुँह में पानी ला देने वाली हमारी गाजर और मिर्च की अचार। इसे आप सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद के गर्मा गर्म पराठों के साथ या फिर पूरी के साथ, या फिर सिंपली आप इसे सर्व करें रोटी और सब्जी के साथ। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।